दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एक डोमेन पर एडसेंस डिसेबल हो गया था, उसी डोमेन पर उसी कंटेंट के साथ मैंने फिर से न्यू एडसेंस अप्रूव लिया है, तो मैं यहां पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ईश्वर आहिर पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर हमारे डोमेन पर एक बार एडसेंस डिसेबल हो जाता है तो उस पर दोबारा अप्रूवल लेना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि हमारी जो साइट है वो एडसेंस में बैन हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपकी भी साइट डिसेबल हो गई है तो आपको अप्रूवल के लिए क्या क्या करना होगा, और जो मुझे एडसेंस डिसेबल था उस पर फिर से न्यू एडसेंस मिला है तो वो कैसे मिला है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू है वो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाई थी लो वैल्यू कंटेंट एरर सॉल्यूशन पर, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी वो अभी जाकर वीडियो देखें, क्योंकि ऐसी ट्रिक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताई है। तो लो वैल्यू कंटेंट का 100% सॉल्यूशन मैंने उस वीडियो में बताया है, तो अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो आप अभी जाकर वो वीडियो देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अब हम यहां पर बात कर लेते हैं डिसेबल एडसेंस अकाउंट के बारे में। तो एक बार हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया फिर वो कभी री इनेबल नहीं होता है। डिसेबल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि इनवैलिड ट्रैफिक हो गया, हार्मफुल कंटेंट हो गया, पॉलिसी वायलेशन हो गया, इन सभी कारणों से हमारी जो एडसेंस है वो डिसेबल हो जाती है, तो उसके बाद हम उसको कभी भी लाइफ टाइम में उसको इनेबल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप सभी को पता है, लेकिन उसी डोमेन पर फिर से हम एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं और फिर से उसी डोमेन पर हम काम भी कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है और मैंने जो अप्रूवल लिया वो कैसे लिया है वो मैं आपको आगे लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले तो आप प्रूफ देख लीजिए, मेरे एक कस्टमर की वेबसाइट मैंने अप्रूवल के लिए डाली थी और उसमें आज ही के दिन 9:55 पर ये मेल आया कि योर साइट इज़ नाउ रेडी टू सर्व एडसेंस एड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का मेल अब एडसेंस में आता है जब भी कोई साइट अप्रूव होती है। तो यहाँ पर साइट का डोमेन है वो भी लिखा हुआ आता है और जो साइट है वो भी यहाँ पर पूरी तरह लिखी हुई आती है। तो यहाँ पर ये साइट है वो अभी एडसेंस में अप्रूव हो चुकी है, मैं आपको एडसेंस में ले जाकर भी दिखा देता हूँ। ये एडसेंस है वो अप्रूव हो चुका है और हम जैसे ही साइट में जाएंगे तो यहाँ पर जो साइट है वो रेडी दिखाएगा। तो यहाँ पर आपने प्रूफ के साथ देख लिया कि ये वेबसाइट है वो एडसेंस में अप्रूव हो चुकी है। अब दोस्तों मैं इस साइट का कंटेंट दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो साइट है वो एडसेंस में एक बार डिसेबल हो चुकी थी और दूसरी बार इस डोमेन पर अप्रूवल मिला है, तो ये एक मिरेकल की बात है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में चला गया हूँ और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर 169 पोस्ट है वो टोटल यहाँ पर पब्लिश है, और सारी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं मूवी डाउनलोडिंग साइट की जो पोस्ट है वो है, लेकिन दोस्तों इसका कंटेंट है उसमें जो लिंक्स थी वो सारी मैंने रिमूव कर दी थी। जो भी पॉलिसी वायलेशन वाली लिंक थी वो सारी मैंने रिमूव करने के बाद इसको एडसेंस के लिए डाला था और उसके बाद जाके इसमें एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपनी जितनी भी लिंक्स है डाउनलोडिंग वाली वो सारी भले ही आप अभी रिमूव कर दो, बाद में आप डाल दोगे तो चलेगा, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी ऐसी लिंक मत डालो जो पॉलिसी को वायोलेट करती हो। तो ये चीज़ आप जब भी अपना एडसेंस अप्लाई करें तो ध्यान रखें, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल लिंक आपको अपनी साइट में नहीं रखनी है जो आपके एडसेंस के लिए पॉलिसी के खिलाफ हो, तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो साइट है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है और इसमें सारी की सारी जो पोस्ट है वो मूवी रिलेटेड है, मूवी कैसे डाउनलोड करें वो बताया गया है और मूवी डाउनलोडिंग की यहाँ पर लिंक्स भी दे दी जाती है। तो ये मेरे एक कस्टमर की साइट थी जिस पर मैंने कल अप्लाई किया था और दूसरे दिन ही इस पर एडसेंस का अप्रूव मिल गया,
यहाँ पर पोस्ट 169 है, लेकिन मेन बात यह है कि इस पर एडसेंस डिसेबल हुआ था और उसके बाद न्यू एडसेंस में ये साइट मैंने अप्रूव करवा के इनको दी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो एडसेंस डिसेबल हुआ है उसी डोमेन पर फिर से दूसरा एडसेंस भी अप्रूव हुआ है। जब आप ये साइट देख रहे हैं तो आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं इसमें एड्स शो हो रही है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप अपना एडसेंस है वो डिसेबल हो गया है तो उसी डोमेन पर फिर से अप्रूव भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका कंटेंट है वो पॉलिसी वायलेशन वाला ना हो, नहीं तो आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है कि एक बार डिसेबल हुए एडसेंस पर उसी डोमेन पर फिर से न्यू एडसेंस में अप्रूवल मिला है। तो अगर आप लोगों का भी एडसेंस डिसेबल हो गया था तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके न्यू एडसेंस में उसी डोमेन पर फिर से अप्रूवल ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो ये मैं ट्रिक बताता हूँ वो यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।